हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक क्लासेस। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम लोग नॉन टेक प्लस टेक्निकल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए पैरेलली चलाएंगे। एंड नॉन टेक में हम लोग करंट अफेयर्स प्लस एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हम लोग साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज़ द करंट अफेयर्स पोर्शन। इसमें करंट अफेयर्स में भी व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ कि करंट अफेयर्स में 1st of January से, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March। ओके, सो 1st of January से स्टार्ट करते हैं एंड 1st of March से भी पैरेलली स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। सो क्या होगा ना कि पहले का भी इवेंचुअली कवर अप हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, एंड प्रेजेंट का तो चल ही रहा है। सो दो तरफा आपको लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। एंड एक 1st January से स्टार्ट होगा ना तो कंप्लीट ईयर का भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, सो एंड वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश करी है इस वीडियो को पिक्टोग्राफिक बनाने की, बिकॉज जितनी ज़्यादा आपके माइंड में हम पिक्चर्स डालेंगे, राइट, आपको उतना ही क्वेश्चंस याद करने में आसानी रहेगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास CAA? ओके, अब फर्स्ट स्टेट टू पास CAA से पहले एक बार देख लेते हैं कि CAA होता क्या है। CAA होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट का मतलब होता है लॉ, एक्ट का मतलब होता है लॉ। ओके, पहले CAB था, ये पहले ये CAB था। CAB मतलब बी का मतलब होता है बिल, बी का मतलब होता है बिल। बिल मतलब होता है कि वेन एवर अ सजेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर सजेशन जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो लॉ बने, ओके, सो वो एज अ बिल आता है पहले। एंड देन जब वो पास हो जाता है, मतलब उस पर वोटिंग होती है, एंड वोटिंग से अग्री डिसअग्री में व्हेन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीज, पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, वो बोलते हैं कि हमको पास करना है, तो वो बिल बन जाता है फिर एक्ट। ओके, CAA बेसिकली ये होता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ओके, इनकी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको सिटीजनशिप देने का एक्ट है ये बेसिकली, ठीक है। तो चार आपके ऑप्शंस हैं, केरला, कर्नाटका, दिल्ली और या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो चारों की चारों स्टेट्स में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ है, मगर सबसे पहले किसने पास करा है CAA को, आंसर है केरला ने। ओके, आंसर इज केरला। दिस इज़ द फेमस बोट ऑफ केरला, बोट रेस देखी होगी आपने, इस पर काफ़ी बोट होती हैं इसमें, ठीक है। और एक और तरीका है इसको याद करने का, लाइक फॉर एग्जांपल मैप है, ठीक है, मैप के सबसे नीचे होता है केरला, वो भी पतला दुबला सा स्टेट, पतला दुबली सी शेप होती है। ओके, सो क्लास में जो पतला दुबला इंसान होता है और वो अगर बैक बेंचर हो, ओके, तो वो क्लास से सबसे पहले पास हो जाएगा। पास इन द सेंस वो मार्क्स वाला पास नहीं, सबसे पहले निकल लेगा क्लास से, सबसे पहले भाग सकता है वो छुट्टी होने के टाइम पे, राइट। सो यहाँ से ये मेरा तरीका याद करने का, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि उस किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या थॉट आया। ओके, तो चार ऑप्शंस हैं, तो अगर हम ऐसे याद करेंगे, कोई किसी भी क्वेश्चन को अगर हम किसी सिचुएशन के साथ अगर हम जोड़ देंगे ना, तो एग्ज़ाम में उस सिचुएशन को रिकॉल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मेरा तरीका यही है, आपका अपना खुद का भी हो सकता है, आई एम नॉट डाउटिंग इट, और वो बेटर भी हो सकता है। अगर कोई और तरीका है जो इससे बेटर है तो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, ठीक है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन आर सेल्स। हम लोग ने सिर्फ नाम के लिए फीडबैक नहीं रखा है, ठीक है, हम वी आर पॉलिसी इज़ दैट कि हम लोग आप लोगों से सजेशंस लें आप, और आप लोगों को नॉलेज दें, ठीक है। गिव एंड टेक वाला सिस्टम है भैया, ये मत सोचना हम फ्री में कर रहे हैं, कोई फ्री में काम नहीं करता, जो चीज़ फ्री में मिलती है वो रहती नहीं है, सिंपल सी बात है। आप हमको सजेशन दो हम कैसे बेटर हों, और हम आपको नॉलेज देंगे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, इंडिया विल ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2026? योर ऑप्शंस आर UK, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। हाय, तो इसमें आंसर क्या है? आंसर है जर्मनी। ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज बाय GDP। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स, USA सबसे ऊपर है, हमेशा ही ऊपर रहेगा USA। ओके, ज़्यादातर चीज़ों में USA ऊपर ही रहता है, और इकॉनमी के में तो पता नहीं 100-150 साल से फर्स्ट पे है US। ओके,
इसलिए जब भी आपको कोई कोई बोले ना, अरे पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको बोलो भैया पाकिस्तान के साथ छोड़ो, यूएस के साथ कंपैरिजन करो, ठीक है? तो भारत पाक रहन दो, अपना स्टडीज़ में ध्यान लगाओ, और कंपैरिजन करना है तो यूएस के साथ करो। सो फर्स्ट कंट्री है यूएस, सेकंड कंट्री है चाइना, थर्ड कंट्री है जापान, और प्रेजेंटली फोर्थ कंट्री है जर्मनी। ओके, इंडिया जर्मनी को ओवरटेक कर देगा बाय 2026, ओके, टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो मोदी साहब कहते नहीं है 5 ट्रिलियन, तो वो तभी होगा जब जर्मनी को ओवरटेक करेंगे, राइट? विच सिटी टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 विच सिटीज हैविंग 10 लाख प्लस पॉपुलेशन? ओके, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण लीग मतलब ये इंडियन प्रीमियर लीग की तरह पॉपुलर तो नहीं है, मगर नाम से ये पता तो चल ही रहा है ना कि इट इज़ रिलेटेड टू जो मोदी साहब का वो क्या था, स्वच्छ भारत अभियान, राइट? है ना, स्वच्छ भारत अभियान के साथ ये रिलेटेड है, और इसमें वही सिटीज़ हमने काउंट करी हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है? अब एटा, गुंटूर और इन सबको मत करना काउंट, ठीक है? उन्हीं सिटीज़ को काउंट करो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शन है ये रहे आपके सामने, पहला ऑप्शन है राजकोट, दूसरा है सूरत, तीसरा है इंदौर, और चौथा है वाराणसी। ओके, सो टाइम वेस्ट करे बिना बताते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है इंदौर। ओके, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिला था, स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही है इंदौर, इंदौर इज़ वन ऑफ द अपकमिंग स्मार्ट सिटी। ओके, इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी का भी इसको मिला है, राइट? एंड स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में भी ये टॉप पे रही है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? देखो जहाँ पे भी एमओ लिखा है ना, मैंने जानबूझ के मिनिस्ट्री ऑफ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक नया डिपार्टमेंट बना है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? चार ऑप्शंस ये हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राई सर्विसेज अफेयर्स, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज अफेयर्स, ठीक है? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और इसके जो हेड हैं वो कौन है भैया? इनको तो जानते ही हो गए आप, है ना, थप्पड़ दिखा रहे हैं, है ना, याद बच के रोहिन से, इनका नाम है बिपिन रावत जी, ये हैं हमारे पुराने आर्मी जनरल, ठीक है? अब कौन है? अगर ये पुराने हैं तो भैया नया तो कोई बना होगा, नया कौन है? नए हैं ये हैं हमारे मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, इनका नाम ऐसे याद कर सकते हैं, नरवाना, एक अंग्रेजी का शब्द होता है निर्वाना, निर्वाना मतलब होता है भैया मोक्ष पा लिया, ठीक है? अब जो बंदा आर्मी चीफ बन गया यार, उसको तो मोक्ष मिल ही गया ना, मतलब इट इज़ लाइक द हाईएस्ट ऑर्डर इन आर्मी दैट यू कैन गेट। ओके, उसने तो अपनी ज़िंदगी में मोक्ष देख लिया, ठीक है, इससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो जहाँ पे भी निर्वाना नाम आए, अभी आर्मी जनरल हमारे प्रेजेंटली यही हैं, ठीक है? नया डिपार्टमेंट कौन सा बना है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसके चीफ कौन है? इसके चीफ हैं बिपिन रावत जी, ठीक है? अभी आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद निर्वाना जी, नरावने जी, नरावने हैं, मगर मैं तो निर्वाना ही बोलूँगा भाई, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मेट्रो स्टेशन विच हैज़ रिप्लेस्ड प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन? मतलब मेट्रो स्टेशन तो वही है, नाम चेंज कर दिया, आजकल चल रहा है नाम वाम चेंज करने का, योगी जी भी बहुत नाम चेंज कर रहे हैं, है ना? अलाहाबाद का नाम क्या हुआ है? अलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज, ठीक है? ये बहुत ही पॉपुलर था, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, मगर नाम वाम बहुत चेंज हो रहे हैं आजकल। तो चार ऑप्शन हैं ये तो हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन बोला है उसको, या फिर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बोला है, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेट्रो स्टेशन बोला है, या फिर अटल मेट्रो स्टेशन बोला है आफ्टर द नेम ऑफ आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आंसर है, तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेट्रो स्टेशन, या फिर अटल मेट्रो स्टेशन। ओके, सो इसका आंसर है आपका सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट, ये पिक्चर बहुत बार देखी होगी आपने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दे दिया, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट क्यों रख दिया?
भैया दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि 300 मीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है, इसलिए इसका नाम सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रिस्पेक्ट, उसके आदेश तो नहीं मानते खरे लोग, मगर चलो ऐसे रिस्पेक्ट दे दो, किसी ना किसी तरह तो रिस्पेक्ट देनी है ना। तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए उसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में आया है, कोल इंडिया के एग्ज़ाम में, कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? वो हैं बोबड़े साहब। बोबड़े साहब, देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत बोलते रहते हैं, कभी ये बोलते रहते हैं कभी वो बोलते रहते हैं, मतलब बड़बड़ाते बहुत रहते हैं, मानते कोई है नहीं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत बोलते हैं कि इस कोर्ट की माननी चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, मगर मानते हैं नहीं, ठीक है। 50% रिजर्वेशन बोला था, मगर उसके बाद भी रिजर्वेशन ला ही रहे हैं पूरे देश में लोग, जो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, राइट। तो इनका नाम है बोबड़े जी, ठीक है, बोबड़े से ही याद रखो आप इनको, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर जी आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एंड मैं कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस इतना है कि बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, गलत ना हो, इसलिए थोड़ी ये मेमोरी टेक्निक है, थोड़ा समझ जाना सर, केस वेस मत करना मुझे प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऐप फॉर विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई करेंसी। ये ऐप लॉन्च करा है आरबीआई ने। आरबीआई क्या है? अब यार जिसको आरबीआई नहीं पता ना, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो पता ही होगा यार वैसे सबको, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं आपके, मनी, मोती, पर्ल, आभूषण, ठीक है, अब पता तो चल ही गया होगा आपको, ठीक है, मनी मोती पर्ल में से ही होगा, तीनों एक ही चीज़ होते हैं लगभग, ठीक है। आंसर है इसका मनी। मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसमें क्या है कि आरबीआई ने इसमें एक ऐप है, ठीक है, जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो वो नोट्स को स्कैन करेगा तो ये ऐप बता देगा कि वेदर द करेंसी इज रियल और फेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल 6 माउंटेन पीक्स इन 6 कॉन्टिनेंट्स। ओके, जो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन हैं, ट्राइबल वुमेन इंडिया की ही हैं वो, और मगर उन्होंने 6 पर्वत जो चोटियां हैं उनकी चढ़ाई करी है 6 महाद्वीपों में, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके ये, एडमंड हिलेरी, अरुणिमा सिन्हा, सुजाता कतियार और मलावंत पूर्ण। ओके, अब इसमें से 3 इंडियन हैं, ये जानबूझ के मैंने ये अंग्रेज रखा है इसमें आपको एक बताने के लिए कि एडमंड हिलेरी कौन है। एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट ऑन माउंट एवरेस्ट। ओके, एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान थे एडमंड हिलेरी। ओके, इसके लिए मैंने एक ऑप्शन रखा है। अब ऑप्शंस 3 बचे हैं इनमें, अरुणिमा सिन्हा भी बहुत फेमस एक माउंटेनियर हैं हमारे देश की, सुजाता कटियार कोई नहीं है, ठीक है, सही आंसर है मलावंत पूर्ण, ये हैं, और ये सिर्फ 13 साल की थी जब इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, ठीक है। मलावंत पूर्ण ये पहली ट्राइबल वुमेन हैं जिन्होंने 6 माउंटेन पीक्स इन 6 कॉन्टिनेंट्स सिर्फ 13 ईयर्स की एज में चढ़ाई करी, राइट। UPSRTC ने एक सर्विस लॉन्च करी है वेमेन को हेल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश में। UPSRTC क्या है? स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है यूपी की। ओके, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है मानसी, सुजल, दामिनी या फिर निर्भया। आंसर्स है, सही आंसर है दामिनी। ओके, कॉलिंग एवन व्हाट्सएप सेवा है, कहीं पे भी आपको कोई भी परेशान कर रहा है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आप ये नंबर लिख सकते हैं अपने, इसको स्प्रेड कर सकते हैं, जो भी आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपके फैमिली में जो भी आपकी सिस्टर्स होंगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वैसे तो गर्लफ्रेंड को आपको फ़ोन करना चाहिए, मगर अगर आप दूर हो तो वो इस पर भी फ़ोन कर सकती हैं, ठीक है। तो इस ये दामिनी सर्विस है, और दामिनी सर्विस सिर्फ UPSRTC नहीं, एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक दामिनी लाइटिंग अलर्ट भी निकाला है। ओके, सो दामिनी के नाम पे 2 चीज़ें हैं, एक तो उत्तर प्रदेश रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सर्विस निकाली है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एक
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, ठीक है, उन्होंने ये लाइटनिंग अलर्ट है, मतलब कहीं पे भी बिजली कड़क रही है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे चांसेस हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एंड, राइट. सो दिस इज़ द एंड, एंड हम लोग अब मार्च की वीडियोस भी निकालेंगे, तो उसमें आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है. और लाइक सब्सक्राइब का नाम मैं मांगूंगा, ठीक है. अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही आओगे, सिंपल सी बात है यार. और बस मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, मगर फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है. हमने कोशिश करी है कि बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ पर्टिकुलर डे में, और हम कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है यार. जिस दिन ज़्यादा करंट अफेयर्स होंगे उस दिन 15 से 20 भी आ जाएंगे, जिस दिन कम होंगे, ठीक है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट क्वान्टिटी वोंट बी फिक्स्ड. ओके, क्वालिटी वोंट बी कॉम्प्रोमाइज एंड क्वान्टिटी वोंट बी फिक्स्ड. ये हमारा फंडा है, सिंपल सा. ओके, चलो एंजॉय करो सबके सब, एंड थैंक यू वेरी मच.